भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात द्वारा मोदी एट द रेट ऑफ 20 प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चौहान ने देवी सहाय इंटर कॉलेज डेरापुर में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में जब से मोदी युग आया है, देश में विकास के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, राष्ट्र की संप्रभुता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मोदी युग के पहले कांग्रेस शासनकाल में विकास का मुद्दा गर्त में चला गया था। घोटालों की प्रतियोगिता होती थी, जिस मंत्री ने जितना बड़ा घोटाला किया उतना बड़ा पुरस्कार कांग्रेस सरकार द्वारा दिया जाता था। हाल यह हो गया कि कांग्रेस के अधिकतर मंत्री मंत्रालय में नहीं जेल में होते थे। देश का विकास पूरी तरह रुक गया था, विदेश नीति धरातल पर पहुंच चुकी थी। उसी समय मोदी युग का आगाज हुआ, विकास की नई गंगा मोदी सरकार में बहने लगी। देश आजाद के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा धारा 370 लगाकर देश को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। मोदी सरकार ने धारा 370 को खत्म कर देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। भारत में ही रहकर अपने आराध्य का पूजन एवं दर्शन से वंचित थे हिंदू की आस्था का केंद्र राम मंदिर को बनवाने का मार्ग मोदी सरकार ने प्रशस्त किया। पाकिस्तान एवं चीन को मुंह तोड़ जवाब देकर इन देशों को सख्ती में डाल दिया। सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों को पाकिस्तान में जाकर खत्म किया। इतने बड़े लोकतंत्र में उन माता बहनों की विडंबना देखिए जो अंधेरा होने का इंतजार करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने इस पीड़ा को समझा और देश में 10 करोड़ शौचालय बनकर तैयार हुए। देश में दिव्यांग को, विधवा को अपनी पेंशन के लिए गुहार लगानी पड़ती थी, आज सम्मान के साथ उनके खातों में राशि सीधे जमा होती है। भारत की 100% आबादी के पास गैस कनेक्शन है और 10 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन उज्ज्वला के हैं। देश की 55 करोड़ आबादी को आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। मोदी ने देश भर में सड़कों का जाल बिछाकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया। गरीबों को बराबरी लाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य योजनाएं बनाई जा रही। गरीब तबके को बराबरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य योजनाएं बनाई जा रही। इस दौरान गुरुजनों ने, जिसमें पूर्व प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक राजाराम कुशवाहा ने मोदी एवं मोदी सरकार पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस दौरान जिलाध्यक्ष अमरनाथ सिंह चौहान, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, राजेंद्र सिंह चौहान, श्याम सिंह सिसोदिया, श्याम मोहन दुबे, बबलू शुक्ला, राकेश तिवारी, नीरज पांडे, अतुल चंदेल, मोहित दुबे, मीनू तिवारी, अतुल अग्निहोत्री, मलखान सिंह चौहान, अंशु त्रिपाठी, विकास मिश्रा मीडिया प्रभारी आदि रहे। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से विजय शंकर कौशल की खास रिपोर्ट। जाता है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिनका मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है